दुनिया का मुंह बंद करने के लिए हमें नंदिनी का मेडिकल टेस्ट करवाना चाहिए। मेडिकल टेस्ट की क्या जरूरत है? हम कैसे? कौन सा मेडिकल टेस्ट और किस लिए? प्रेम, एक मेडिकल टेस्ट इसलिए होगा कि इसे ये पता लग जाएगा कि कभी नंदिनी माँ बनी थी कि नहीं। बस हाँ। How disgusting! नंदिनी तुम चलो यहाँ से। रुको। किस लिए माँ? किस लिए? मैं नहीं जानता दादी क्या बात कर रही है और क्यों कर रही है, लेकिन किसी अनजान आदमी की बकवास पे यकीन करके मैं अपनी नंदिनी को ऐसी जाति झेलने तो मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मेरे होते हुए नंदिनी ऐसा कोई टेस्ट नहीं देगी। किस लिए कराना है मेडिकल टेस्ट? इसका मतलब समझती हैं? क्या चाहते हैं आप लोग? मेरे होते हुए नंदिनी को ऐसी शर्मिंदगी का एहसास नहीं होगा। तुम्हें कोई टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, तुम चलो यहां से। प्रेम, मैं तो नंदिनी को दुनिया में शर्मिंदा होने से बचाने की बात कर रही हूं। अरे, अरे, मेडिकल टेस्ट के बाद ये प्रूव हो जाएगा कि नंदिनी कभी माँ बनी थी कि नहीं, और सबके मुंह पे ताला लग जाएगा। उसी समाज की परवाह करते हुए आप ये भूल रही कि नंदिनी मेरी पत्नी है, इस घर की राजाध्यक्ष परिवार की बहू है वो। नंदिनी ऐसा कोई टेस्ट नहीं देगी। छोड़ो ना दादी, हम क्यों पड़े इन लोगों के पीछे? ठीक है, नहीं कराएंगे मेडिकल टेस्ट। अरे, हमको नहीं दुख देना है दोनों को। मत करो मेडिकल टेस्ट, ठीक है? मत करो। चलो यहाँ से। मैं ये टेस्ट करवाने के लिए तैयार हूं। क्या कहा? नंदिनी तुम जानती हो क्या कह रही? नंदिनी तुम अंदर जाओ। नहीं आई। मुझे ये टेस्ट करवाने पर कोई एतराज नहीं है। अगर ये टेस्ट करवाने से मैं निर्दोष साबित होती हूँ तो मुझे मंजूर है। नंदिनी तुम्हें कोई टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, मुझे भरोसा है तुम पे। कोई टेस्ट नहीं दोगे, चलो तुम। नहीं प्रेम, मुझे मत रोकिए। एक औरत के लिए अगर अपनी पवित्रता का सबूत देना पड़े, उसके लिए इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात और कोई नहीं हो सकती। लेकिन मेरे साथ आप हैं। आपके प्यार और विश्वास के साथ मैं किसी भी मुश्किल दौर से गुजरने के लिए तैयार हूँ प्रेम। दादी जी का डर सही है। जब तक सबके मन में ये कांटा चुभता रहेगा, घर में कोई खुश नहीं रह सकता। मुझे तुम पे पूरा भरोसा है नंदिनी। क्या कर रही हो तुम? नंदिनी मान गई। अब मानी गई है तो फिर देर नहीं करनी चाहिए ना। मेरे ख्याल से कल सुबह ही चलते हैं अस्पताल।
कृष्णा क्या कर रहा है? सो रहा है। उठ, पूरी दुनिया में आग लग गई है, क्या कुछ नहीं हुआ उस घर में और तू सो रहा है? इतनी रात को कहाँ आग लग गई, क्या हो गया तुमको? पहले तो उठ अभी। अरे छुप छुप के तुझे फोन कर रही हूँ, दिन दहाड़े तो ऐसी खबरें दे नहीं सकती। अब बता, ऐसी कौन सी बात है जो इतनी रात को फोन किया? अरे कृष्णा तू सुनेगा ना तो तेरी नींद उड़ जाएगी। नींद क्या, नींदे उड़ जाएगी। तुझे पता नहीं मैं तुझे क्या बताने वाली हूँ। क्या बताने वाली है, बताएगी भी? अरे मैं तुझे नंदनी के घर की बात बताती हूँ। नंदनी के शादी के दूसरे दिन उनके घर पर चिट्टी के साथ एक बच्चा कोई छोड़ गया और उस चिट्ठी में लिखा था कि वो बच्चा नंदनी का है। नंदनी का बच्चा? हाँ नंदनी का। जब तू हॉस्पिटल में था ना तब हुआ ये। क्या बात कर रही, आगे बताओ। अरे आगे क्या होगा, यही सोच के तो मेरी नींद उड़ गई है। बहुत रात हो चुकी है, तू सो जा। मैं तो नहीं सो सकती, तू सो रहा है ना, तो मेरा एक काम कर, सुबह सुबह ये सपना देख कि धरती फट गई और उसमें वो नंदिनी समा गई और उसका मंगलसूत्र मेरी सुमी को मिल गया। सुना है सुबह सुबह का सपना सच होता है। हाँ अच्छा ठीक है, तू सो जा, मैं भी सोता हूँ तभी तो सपना देखूंगा ना। ठीक है सपना देखना। किसे देखना है सपने में, किसे सुला रहे थे? अरे मैं वो का है? तुम्हारी सारी करतूत ना मैं पापा को बताऊंगी, ये पूरी की पूरी कैसेट जाएगी पापा के पास। ठीक है, बहुत मजा आएगा उन्हें मेरी और आई की बातें सुनकर। आई तुम आई से बातें कर रहे थे? हाँ मैं आई से बात कर रहा था। मेरी सारी की सारी बैटरी वेस्ट कर दी तुमने। वेड़ा है क्या तू? वेड़ा है मजा सोना। पहली बार खुद को इतना लाचार और इतना बेबस पाया मैंने। किस इम्तिहान की बात कर रहे हैं लोग, किस हक से ये तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं नंदनी? नंदनी अपने ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे। मैंने कहा ना अगर आपका प्यार मेरे साथ है तो मैं मुश्किल से मुश्किल रास्ते पर चलने के लिए तैयार हूं। मुझे एक सवाल का जवाब दो, जो कुछ तुमने किया तुम्हें क्या लगता है उसे माफ किया जा सकता है? सच बोलो कल्याणी, घुमा फिरा के या किसी एक्सप्लेनेशन के साथ नहीं, क्या तुम्हारी गलती माफ करने के काबिल है? एक बार अगर आप मेरी यस और नो।
लोग यहाँ? सब लोग कहाँ हैं? सब लोग नंदिनी ताई को लेकर अस्पताल गए हैं। क्या हुआ मेरे नंदिनी को? वो ठीक तो है? नंदिनी तुम्हें कोई टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता ये लोग क्या सोचते हैं। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूं? मैं यहाँ एक डॉक्टर की हैसियत से नहीं बल्कि एक माँ की हैसियत से आई हूँ। तुम लोग बिल्कुल चिंता नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा। ये डॉक्टर माया है, मेरी फ्रेंड। बेटा ये तुम्हारा वैसे ही ध्यान रखेंगी जैसे मैं, चिंता नहीं करो। डॉक्टर आप अपने पेशेंट को ले जा सकते हैं। चलो बेटा कम। ये कपड़े चेंज करके गाउन पहन लो और यहाँ पे लेट जाओ। सिस्टर इनको गाउन देना। अब चेंज करके तुम बाहर जा सकते हो। तुम ठीक तो ना? तू ठीक तो है जी? मेरी तो जान ही निकल गई थी। कब खत्म होगा ये सस्पेंस? अभी पता चल जाएगा कौन कितना ठीक है।
डॉक्टर कल्याणी, ये नंदिनी की रिपोर्ट से। थैंक यू। कल्याणी, क्या लिखा है रिपोर्ट में? रिपोर्ट नेगेटिव है। नंदिनी ने कभी किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया है। मैंने कहा था ना, कोई हमारी नंदिनी को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। अब तो आप सब खुश हैं ना? देखिए, आई एम रियली वेरी सॉरी। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन नंदिनी ने मेरी सुनी नहीं। मैं चाहकर भी नंदिनी को इस अग्नि परीक्षा से नहीं बचा पाया, पर मेरा यकीन कीजिए कि एक पल के लिए भी मैंने अपनी नंदिनी पे शक नहीं किया। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। सॉरी। दादी चले, हम चलते हैं। तुम दोनों चलो, हम आते हैं। यही रुकिए, मुझे आपसे कुछ सवालों के जवाब चाहिए। माया, आर यू श्योर कि नंदिनी ने किसी बच्चे को जन्म दिया था? आर यू श्योर कि ये रिपोर्ट पॉजिटिव है? आर यू श्योर कि रिपोर्ट बनाते वक्त तुमसे कोई गलती नहीं हुई है? यस यस कल्याणी, आई एम वेरी श्योर। तुम्हारी बहू नंदिनी ने एक बच्चे को जन्म दिया था। हे भगवान, ये मैंने क्या किया? जिस पे आंखें बंद करके विश्वास किया, उसी ने मेरी आंख में धूल झोंक दी। मैंने अपने घर की बहू बनाया, उसे अपनी बेटी के साथ प्यार दिया, उसके लिए अपने सारे घर वालों से झूठ बोला, यहां तक कि अपने पति को भी झूठा साबित किया। आई प्रेम सबको अंधेरे में रखा। मुझे अभी इसी वक्त सबको जाकर सच सच बताना होगा।
आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैंने अपने परिवार को जो कहा वो झूठ है। नंदिनी की रिपोर्ट नेगेटिव नहीं है, उसने एक बच्चे को जन्म दिया है और इसका मतलब यह है कि उसका रिश्ता पहले किसी से था और आपने ये बात मुझसे छुपाई, धोखे में रखा मुझे। क्यों क्यों झूठ बोला आपने मुझसे, मेरे परिवार से, मेरे बेटे से? नंदिनी के साथ इतनी बड़ी बात हो गई और आपको इसके बारे में पता नहीं था, ये मैं नहीं मानती। किसी की जिंदगी, किसी के प्यार, किसी के विश्वास के साथ खेलते हुए शर्म नहीं आई आपको? अगर आपके परिवार के साथ कोई ऐसा करे तो, और वो नंदिनी हर बात में इनकार करती रही, हर बात में। मैंने उसे चिट्ठी दिखाई तो कहने लगी मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। क्यों, ये सब क्या है गोविंद जी, क्या है ये सब? बेटा यकीन कीजिए, नंदिनी इसके बारे में कुछ नहीं जानती। ये सच है कि हमने आपको धोखे में रखा। नंदिनी के जीवन के बारे में इतना बड़ा सच हमने आपको नहीं बताया, इसके कसूरवार हैं हम। लेकिन कल्याणी जी, मेरा यकीन कीजिए, मेरा विश्वास कीजिए, नंदिनी इसके बारे में कुछ नहीं जानती, सच में कुछ नहीं जानती। ये कैसे हो सकता है? नंदिनी प्रेग्नेंट होती है, एक बच्चे को जन्म देती है और उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता? ये आप मुझे बता रहे हैं, मुझे एक गायनेकोलॉजिस्ट को जिसके पास रोज ऐसे केस आते हैं, और आप समझते हैं मैं आपकी इस बात पे विश्वास कर लूंगी? पढ़िए ये रिपोर्ट, अब बोलिए कुछ कहने को बचा है आपके पास?